सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें नमस्कार दोस्तों हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की जो औषधि है वो है कहरवा पिष्टी और आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए तो चलिए जान लेते हैं कहरवा के बारे में दोस्तों जो एक कहरवा होता है एक प्रकार का गोंद होता है उसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारे नए चैनल जड़ी बूटी परिचय पर जाकर विस्तार से जान सकते हैं वहाँ पर हम जड़ी बूटियों की पहचान और परिचय और गुण को गुणों के बारे में उसके बारे में बताते हैं तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं रक्त पित्त बावशीर चक्कर आना दावामन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखा हुआ है हम आपको विस्तार से और बताएंगे इसको कैसे बनाया जाता है उससे पहले देख लीजिए ये जो पैकिंग आता है ये डायग्राम के की पैकिंग में आता है और इसका अभी जो रेट है वो एक है जो समय के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है दोस्तों ये बैद्यनाथ कंपनी के तरफ से आने वाला पैकिंग है और इसके अगर बनाने की विधि जाने तो जो कहरवा होता है एक प्रकार का गोंद होता है और उसको जो है अरक गुलाब में इसकी गुटाई की जाती है दस बारह दिन तक लगातार इसकी गुटाई होती है और गुटाई होने के बाद ये कहरवा पिष्टी तैयार होती है अगर बात करें इसके गुणों के बारे में तो ये जो कैरवा पिष्टी है ये स्तंभन कारिणी है और शक्तिवर्धक इसका प्रयोग उस रोगों में भी किया जाता है जैसे थोक थूक में खून निकलता है या जिनको खून थूकना भी बोलते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव में इसका प्रयोग किया जाता है रक्त स्राव को ये रोकता है चाहे जिस भी कारण से चाहे जिस भी प्रकार से चाहे जिस भी रास्ते से खून या रक्त स्राव हो रहा हो उन सभी में ये काम करता है इसके अलावा हृदय को शक्ति देता है इसमें हृदय को शक्ति देने के साथ साथ ये प्राकृतिक रूप से जो है सौम्य औषधि है और ये आपकी धारण शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये संग्रहणी में जिन लोगों को आऊ पेचिस जैसी समस्या है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके प्रयोग से उन्माद में बहुत अच्छा लाभ देखा गया है ये आपके दिमाग को शांति देता है हृदय को शक्ति देता है और ये आपके शारीरिक बल को भी बढ़ाता है पित्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है हृदय की दुर्बलता में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा रक्त सार में रक्त प्रदर रक्त पित्त और वमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके साथ साथ ये पेचिस और परवाई का भी बहुत ही अच्छी औषधि है इसको अनुपान वेद से कई रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है जिन लोगों को नाक से मुंह से गोदा से योनि से या लिंग से जो है खून इन मार्गों से खून आता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया है शरीर के किसी भी भाग से अगर खून निकलता है और वह बंद नहीं हो रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कुछ लोगों को नक्सीर जो है गर्मी के कारण नक्सीर बहुत ज़्यादा होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन और इसके साथ साथ जिन लोगों को मस्तिष्क में कीड़े पड़ने की समस्या है जिन लोगों के मस्तिष्क में कीड़े हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है जिन लोगों को लगातार सिरदर्द बना रहता है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है और ये साथ ही साथ मूत्र वेग को भी जो है जिन लोगों को मूत्र वेग जो है सहन नहीं होता है या पेशाब में जलन रहती है पेशाब में खून आता है तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर पेशाब में मवाद आती है या पेशाब के रास्ते में कीड़े पड़ जाते हैं बदबू आती है या जिन लोगों को सुजाक की समस्या है उन लोगों को भी इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए या आप चिकित्सक के प्रयोग से आप इसको जो है चिकित्सक की सलाह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है गाँव पर अगर आप इसको छिड़कते हैं तो ये खून को तुरंत बंद कर देता है इसकी जो मात्रा होती है दो से चार रत्ती तक होती है ये अनुपान बेद से अलग अलग औषधियों के साथ मिक्स करके इसको लिया जा सकता है या आप इसको शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं इसको प्रयोग आप जिस से आप कर सकते समय से पहले ही गिर जाता है उन स्त्रियों के लिए भी ये अमृत के समान औषधि है इसका प्रयोग करने से जो है अकाल जो गर्भ गिरता है या प्रसर्व पीड़ा होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है और ये गर्भ धारण करने की शक्ति को बढ़ाता है इसके पिष्टी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कहरवा होता है साबुत कहरवा होता है माला बनाकर अगर गर्भवती स्त्री को पहनाते हैं तो वह है गर्भ की रक्षा करता है और जो समय ही गर्भ गिर जाता है या आ, जो है गर्भ से पहले ही मिसकैरिज हो जाता है तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है इसके और भी कई सारे प्रयोग हैं जिन लोगों को अमावस्या जो है कमज़ोर हो गया है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है जिन लोगों को पित्त विकार की समस्या रहती है उसको में भी इसका प्रयोग किया जाता है ये औषधि जो है अमृत के समान है ये बहुत सारे रोगों में काम करती है तो ये थी जानकारी कहरवा पिष्टी के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए अगर आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करके मंगा भी सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए धन्यवाद